गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर 1 चल रहा था, ड्रेनेज या जल निकास। जल निकास के बारे में हमने कल कुछ चीजें समझने की कोशिश करी थी कि जल निकास क्या होता है, उसके क्या लाभ होते हैं, उसकी हानियां क्या होती हैं, वाटर लॉगिंग क्या होती है, जल क्रांति क्या होती है, जल आक्रांति क्या होती है, कि पानी क्यों रुक जाता है खेत के अंदर, उनके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम जल निकास नहीं करते हैं तो उनसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हमने कल क्लियर किए। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम जो खेत में से जल निकास करते हैं, उस जल निकास को करने के लिए कौन कौन से सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमको बेसिकली समझना है जो जल निकास है, जल निकास के उपयोगी तंत्र, या हम ये बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। तो देखिए, जो जल निकास के प्रमुख तंत्र हैं या ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, वो कितने हैं? वो तीन टाइप के होते हैं, याद रखिए। एग्जाम में पूछा जाता है, पहला होता है नेचुरल सिस्टम, ठीक है, दूसरा है हेरिंग बोन सिस्टम, और तीसरा है ग्रीडी रॉन सिस्टम। ठीक है, हिंदी में इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है, बस इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक तंत्र। ये हेरिंग बोन, सॉरी हेरिंग बोन सिस्टम कहलाता है, और इसको बोलते हैं हम ग्रीडी रॉन रीजन। तीन टाइप के सिस्टम यूज होते हैं। अब ये तीनों टाइप के सिस्टम क्या होते हैं, इनको हम चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेचुरल सिस्टम तो क्या होता है, नेचुरल सिस्टम का मतलब है जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है। ठीक है, अब इस खेत में क्या है, पानी बरसा है या पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को बाहर निकालने के लिए प्राकृतिक रूप से ही अपने आप ही चैनल बन जाते हैं। पानी के निकालने के लिए पानी की जो धारा होती है वो अपने आप ही कुछ छोटी छोटी नलियां बना लेती है, और इनके माध्यम से ये पानी खेत में से बाहर निकलता है। कहीं से भी निकल सकता है, कैसे भी निकल सकता है, प्राकृतिक सिस्टम है। पानी बरसता है, मैंने ऐसे बनाया है, पानी वहां भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब दाएं बाएं कहीं से भी निकल सकता है। ये जो है इस प्रकार के सिस्टम को हम, ये पहला सिस्टम है, इसको प्राकृतिक सिस्टम बोलते हैं, प्राकृतिक तंत्र जल निकास। दूसरा है हेरिंग बोन सिस्टम। ठीक है, हेरिंग बोन सिस्टम में क्या है, हेरिंग बोन सिस्टम में क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा खेत है, तो इस खेत में सबसे पहले एक मुख्य नली बनाते हैं, एक मुख्य नाली बनाई जाती है जो खेत के बीच में से जाती है। अब ये हम इसको ऐसे भी खेत में से बीच में बांट सकते हैं, या ऐसे भी बांट सकते हैं खेत में बीच में। मान लीजिए ये हो गई मुख्य नदी, ये प्रमुख नदी हो गई, यहां से जो रुका हुआ पानी है वो बाहर निकले। फिर ये जो नाली है इसमें सहायक नालियां जोड़ दी जाए, ठीक है, जहां से खेत के अन्य भागों से होकर पानी लाए। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है ये हेरिंग बोन सिस्टम। ठीक है, इस तरह से इसमें एक मुख्य नली का होती है, प्रमुख नाली होती है, ठीक है, और बहुत सारी जो सहायक नालियां होती है इससे जुड़ी है, मतलब हेरिंग बोन सिस्टम में एक मेन ट्रेंच होती है और फिर कुछ उस जो सब ट्रेंचेस या ड्रेन होती है वो मेन वाले से कनेक्ट कर दी जाती है, इससे फिर जो खेत का जो पूरा पानी होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये दूसरा सिस्टम है ग्रीडी रॉन, सॉरी ग्रीडी रॉन सिस्टम क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई खेत है, ठीक है,
ग्रीडिरॉन और हेरिंग बोन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो ग्रीडिरॉन और हेरिंग बोन सिस्टम है इसमें जो प्रमुख नलिका होती है वो खेत के बीच में बनी होती है, किसमें? हेरिंग बोन सिस्टम में। और जो ग्रीडिरॉन सिस्टम है या ग्रीडिरॉन तंत्र है इसमें जो मुख्य नलिका होती है वो खेत के किनारे बनाई जाती है किसी एक जगह पर, उसमें खेत के किनारे और किसी भी किनारे पर वो तंत्र बनाई जा सकती है, देखते हुए जिस तरफ पानी निकलने के उपयुक्त साधन होते हैं या एक किसी एक किनारे पर उसको बना दिया जाता है जहां से पानी स्वतंत्र पूर्वक खेत से बाहर निकल सके, बीच में निकलेंगे। इसमें क्या है, जो मेन ट्रेंच है वो तो है नीचे, मतलब ये यहाँ ये जो मैं गहरा करके बताऊं ये मेन, ठीक, और ये जो है ये उसके ऊपर ये सब ट्रेंच। ठीक है, ये वाली मेन ट्रेंच है ये वाली, और ये सब ट्रेंच। मुख्य नाली नीचे है, मतलब मुख्य नाली किनारे पर है और जो सहायक नालियां हैं वो इससे जुड़ी हुई है, ये तीसरे टाइप का सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक तंत्र में पानी अपने आप ही जो जल धारा होती है वो अपने आप ही स्वयं ही एक स्रोत ढूंढ लेती है, माध्यम ढूंढ लेती है, रास्ता ढूंढ लेती है और उन्हीं से होता हुआ पानी खेत के बाहर निकल जाता है। हेरिंग बोन तंत्र में क्या करते हैं, खेत के बिल्कुल बीचों बीच एक मुख्य नाली बनाई जाती है जिसमें सहायक नालियां जोड़ दी जाती हैं और ये एक चैनल बन जाता है जिसके द्वारा मुख्य नाली से होता हुआ पानी खेत से बाहर निकल जाता है। और जो ग्रीडिरॉन सिस्टम में क्या होता है, जो मुख्य नाली होती है वो खेत के एक किनारे पर बनाई जाती है, एक मिनट पर बनाई जाती है और जो सहायक नालियां हैं वो दूर दूर से पानी को लेकर आती हैं और मुख्य नाली में छोड़ती हूँ और यहां से फिर पानी बाहर निकलता है। तो ये तीन सिस्टम। अब क्या है, अब विधि, पानी को बाहर कैसे निकालेंगे, मतलब ये तो तंत्र हो गए। अब ये जो नालियां हैं ये नालियां बनाएंगे कहाँ पर हम, क्या जमीन के अंदर बनाएंगे या जमीन के ऊपर बनाएंगे, ये प्रश्न बनता है हमारा। तो ये जो जल निकास के लिए अब हम विधियां कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लेकर आते हैं, तो याद रखिए जल निकास करने की जो विधियां हैं वो केवल दो विधियां, ठीक है, तंत्र तीन है और विधियां दो है। तो विधि कौन कौन सी विधियां यूज करते हैं, मेथड, कितने मेथड हैं, दो। सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम सतह, ठीक है, सतह, इसको खुला हुआ भी बोलते हैं, मीन ओपन, ये ओपन विधि। जो दूसरा है उसको बोलते हैं भूमिगत, मीन अंडरग्राउंड, ठीक, सतह। अब सतह से तो हमको समझ में आ रहा है जैसे ये हमारा खेत है और इसको खुला हुआ बना देंगे, नालियां जो हमको बाहर से दिखाई दे रहा है, नालियां अगर हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से तो ये सतही विधि कहलाएगी। और अगर मान लीजिए जो खेत है उसमें हमने खुदाई की और खुदाई करने के बाद में हमने नाली बनाई और ऊपर ये मिट्टी खा दी, मिट्टी के नीचे इसको दबा, ठीक, ये नाली है, आप देख पा रहे हैं इसमें हमने क्या किया, नाली खोद कर बनाई है और ऊपर मिट्टी, और यहां हम नालियों को देख पा रहे हैं तो ये सतही है, सतह पर है, ठीक है, और ये जमीन के अंदर है। तो केवल नालियां अगर जमीन के ऊपर बनाई जा रही है तो उसको हम खुली प्रणाली, खुली विधि या सतही विधि बोलते हैं, यदि नालियां जमीन के अंदर गड्ढा खोद के बनाई जाती है तो उसको हम भूमिगत या अंडरग्राउंड मेथड, ठीक। अब जो सतही है इनके कुछ टाइप होते हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, जो सबसे पहली है उसको बोलते हैं हम अस्थाई, टेम्पोरल, अस्थाई नहीं,
जो दूसरी है उसको कटआउट बोलते हैं। ड्रेन, टेम्पररी ड्रेन, कटआउट ड्रेन। तीसरी होती है स्थाई, ठीक है, परमानेंट ड्रेन, ठीक है। मुख्य जो भूमिगत है इनके भी कुछ टाइप होते हैं। पहला जो है इसको बोलते हैं हम स्टोन, ये स्टोन ड्रेन कहलाता है, हिंदी में भी स्टोन ड्रेन ही बोलते हैं। दूसरा इसको हम टाइल ड्रेन बोलते हैं, हिंदी में भी टाइल ड्रेन बोलेंगे। तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम मोल्ड ड्रेन, हिंदी में भी मोल्ड ड्रेन ही बोलते हैं। चौथा इसको बोलते हैं कोल्ड ड्रेन, हिंदी में भी इसको कोल्ड ड्रेन बोलते हैं। तो चार विधियां यहां पढ़ेंगे और तीन विधियां हम वहां, ठीक है। चलिए सबसे पहले सतही या ओपन विधि को समझते हैं। तो सतही राम में पहला क्या है, अस्थाई। तो ये जो अस्थाई विधि है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा खेत है और हमने खुले में ऐसी कच्ची नालियां बनाई, वैसे किसान ने ऐसे दिया पाउडर लिया और उसे खुदाई करके एक कच्ची नाली बनाई, ठीक। अब कच्ची नाली बनेगी तो क्या है, दिखेगी, किसान जब भी अगली फसल बोएगा तो ये नालियां टूट जाएंगी, दोबारा बना लेगा, ठीक है, और बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें ज्यादा खर्चा करने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये तो होती है अस्थाई, ये स्थाई नहीं होती है। हर बार जब भी किसान फसल लेगा या हर सीजन में जब पानी जमा हो रहा है तो उसको वो खेत में बना सकता है और उसके बाद में वहां से हटा सकता है, ठीक है। अब ये जो विधि है अस्थाई खुली वाली, इसके कुछ लाभ है। क्या लाभ है, सबसे पहला लाभ क्या है, क्योंकि ये अस्थाई होती है तो जो खेत की जो मिट्टी होती है, जमीन होती है, जगह जो होती है, वो अनावश्यक रूप से रुकती नहीं है। किसान कहीं पर भी पूरे खेत का उपयोग कृषक क्रियाओं के रूप में कर सकता है, ये सबसे बड़ा लाभ। दूसरा, क्योंकि इसमें कुछ भी कंक्रीट या सीमेंट का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें किसान को अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक। और जो तीसरी इसकी सबसे बड़ी लाभ है, वो लाभ ये है कि कृषक क्रिया करने में किसान को, जो कृषक होते हैं उनको कोई भी असुविधा नहीं होती, ठीक है। समय समय पर इसकी मरम्मत करना बहुत आसान होता है। चौथा लाभ होता है, अगर मान लीजिए नाली कहीं से टूट जाती है तो कोई भी जो कृषक होता है वो इस नाली को आराम से उसकी मरम्मत कर सकता है, उसको बना सकता है। जहां इसके लाभ है वहीं इसकी हानियां भी है। सबसे पहली हानि क्या है, जब भी कृषक क्रिया की जाती है तो कृषक क्रिया के दौरान ये नाली हमेशा टूट जाती है, हमेशा ये नालियां टूटेंगी, जब नालियां टूटेंगी तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर टू, प्रत्येक वर्ष हमको नई नालियां बनानी पड़ती है, मतलब स्थाई नहीं है ना, इसलिए बार बार बनाना पड़ेगी, ठीक है। समय समय पर हमको इसकी देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, यदि ऐसा नहीं होगा तो इनके माध्यम से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये था अस्थाई। कटआउट, चलिए कटआउट क्या है, कटआउट को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई तालाब है, तालाब है या झील है या नदी है, मान, ठीक है। ये जो तालाब है पॉन्ड, इसमें क्या है कि यहां जो पानी भरा हुआ, कभी कभी क्या होता है, जो तालाब की जो किनारे होते हैं या नदी के किनारे हैं उनसे पानी रिसने लगता है, ठीक है। और मान लीजिए किसी किसान का जो खेत है वो इसी किनारे पर है, इसको इससे लगा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगी सीपिंग, मीन्स जो पानी है वो रिसने लगेगा,
ठीक है, पानी का रिसाव होगा। अब ये रिसाव जब पानी का होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी किसी एक परिस्थिति में ये हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो पानी बाहर निकल के आ रहा है ये सीधा खेत में भरेगा, और इससे क्या होगा, जो फसल है वो नष्ट हो सकती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि ये वर्षा ऋतु में ही हो, ये ग्रीष्म में हो सकता है, शरद में हो सकता है, किसी भी मौसम में ये हो सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये जो अतिरिक्त पानी खेत में भरेगा, वही वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होगी, पानी इकट्ठा होगा, उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो अब इसको कैसे बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो ये जो इसकी जो किनारा होता है तालाब का, बिल्कुल तालाब के किनारे से सटा हुआ सटाकर नाली बना दी जाती है, थोड़ा थोड़ा खोद दिया जाता है और उसके सहारे ये नाली बनती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा गहरा कर दीजिए। अब क्या होता है, जब पानी रिस कर बाहर आता है किनारों से निकलकर, तो ये पानी सीधा नाली में जाता है, अब खेत में नहीं भरेगा ये पानी। ठीक है, और ये जो नाली है, ये नाली इस पानी को लेकर मुख्य जो जल निकास तंत्र है उसमें जुड़ी होती है, वहां से ये पानी खेत से बाहर निकलता है। ठीक है, तो याद रखिए ये स्थिति कटआउट तब बनाया जाएगा जब खेत हमारा किसी तालाब या नदी के किनारे पर स्थित होता है, और उस स्थिति में जबकि तालाब या नदी के किनारे से पानी रिस कर खेत के अंदर आता है, तब कटआउट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ लाभ है, लाभ क्या होंगे, लाभ यही है कि जो अतिरिक्त पानी है वो खेत में नहीं भरेगा, खेत से बाहर निकल जाएगा, आराम से बाहर निकल जाएगा, सुगमता पूर्वक निकाल सकते हैं, और समय समय पर इसकी देखरेख करना आसान होता है। स्थाई भी नहीं बनाते, अस्थाई भी बना सकते हैं, दोनों प्रकार के बना सकते हैं, ये कुछ लाभ हो जाते हैं। हानि क्या है, इससे जो सबसे बड़ी हानि जो किसान को होती है वो ये होता है कि जो खेत होता है, कृषक क्रिया करने के लिए खेत का क्षेत्रफल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कुछ हिस्से में ये कटआउट नालियां बनाई जाती है, नंबर एक। फिर इनका रख रखाव करना पड़ता है, यदि रख रखाव नहीं करते हैं सही तरीके से तो ये नालियां टूट जाती है और फिर पानी रिस कर खेत में आने लगता है। ठीक है, इनका देखरेख, इनके रख रखाव के ऊपर किसान का अतिरिक्त पैसा खर्च होता है, तो उसको आर्थिक नुकसान भी होता है। ठीक है, और फिर कृषक क्रिया करने में भी थोड़ी सी असुविधा होती है। ठीक है, तो ये जल निकास की कटाव प्रणाली है, एक स्थाई प्रणाली है। स्थाई में क्या करते हैं, सिंपल, ये जो खेत है इसमें कुछ नालियां बना ली जाती हैं दिखती हुई, और ये जो नालियां होती हैं ये नालियां कंक्रीट की बनाई जाती हैं। ठीक है, पक्की ईंट और सीमेंट से मिलाकर पक्की पक्की नालियां बना ली जाती हैं, जैसे हमारे घरों में होती है पक्की नालियां वैसे। ठीक है, तो ये जो कॉन्क्रीटेड नालियां होती हैं या पक्की नालियां होती हैं, जो पत्थरों के माध्यम से या ईंटों का उपयोग करके बना ली जाती हैं, ठीक है, इनमें रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। एक बार नाली बन जाने के बाद में किसान इसको आराम से इसमें से पानी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ लाभ भी होते हैं, सबसे बढ़िया लाभ तो यही है कि जो पानी है उसको सुगमता पूर्वक ये खेत से बाहर निकालती रहती है, क्योंकि स्थायी नालियां होती है, इसलिए हर साल उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, टूटती फूटती भी नहीं, और किसान को इससे लाभ मिलता है। हमेशा याद रखिए, जब किसी का लाभ होगा तो उस चीज की हानि भी अवश्य होती है। इसकी सबसे बड़ी हानि यह है, क्योंकि ये पक्की होती है तो पक्की बनाने के लिए किसान को अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, वैसे तो ये टूटती नहीं है, लेकिन कभी ये टूट जाती है तो इनकी मरम्मत किसान स्वयं नहीं कर सकता, इनकी मरम्मत कराने के लिए स्वयं को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। तीसरी चीज, कृषक क्रिया करने में भी असुविधा होती है। मान लीजिए ये खेत है और बीच में ये दो नालियां बनी हुई है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए नालियां नहीं होती तो किसान बिल्कुल सीधा बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी जुताई कर सकता था, हटाई कर सकता था, लेकिन अभी क्या होगा, किसान को इतना करना पड़ेगा, पहले वो इतना काम करेगा, फिर इतना काम करेगा, फिर इतना काम करेगा, तो ये काम तो वो एक साथ कर सकता है, तो वो तीन हिस्सों में उसको करना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है
पूरा एक साथ कर देता है तो ये स्थायी गाड़ियां टूट जाएंगी, इससे उसका जो पैसा है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये सतही है या ओपन। ओपन इसे बोलते हैं क्योंकि ये खुली रहती है, दिखाई देती है। सतही को हम इसको खुली खुली विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिख रही है हमें। ठीक है, चलिए अब जरा भूमिगत ड्रेन की बात कर लेते हैं। देखिए भूमिगत जो ड्रेन मेथड है उनमें कुछ चीजें हमको समझनी है। सबसे पहले जो भूमिगत ड्रेन बनाया जाता है उसके लिए जो नाली जो बनाई जाएगी उसकी जो चौड़ाई होती है वो सामान्य रूप से हमको 15 सेंटीमीटर से लेकर हम उसको 24 सेंटीमीटर तक 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर उसकी मोटाई रख सकते सबसे पहले। ठीक है, ये क्या है, गोलाई है उसका मोटाई व्यास। ठीक है, अब है गहराई डेप्थ। अब गहराई कितनी हो सकती है, तो गहराई की नहीं याद रखिए, जो ये जो नालियां जो भूमिगत बनाई जाती हैं ये 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक गहरी हो सकती है। ठीक है, मतलब हम ये मान सकते हैं लगभग ये 0.75 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक गहरी हो सकती है। ठीक है, ये इसके लिए एक मूल स्थिति है। जरूरी नहीं है कि ये सभी सिस्टम में हम यही सभी मेथड में हम यही इस्तेमाल करेंगे, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमको जब हम भूमिगत ड्रेन मेथड यूज करेंगे, भूमिगत अंडरग्राउंड ड्रेन मेथड या भूमिगत जल निकास विधि का प्रयोग करेंगे तो हमको इतनी मिट्टी खोदना पड़ेगी। ठीक है, इतनी मिट्टी हमको हटानी पड़ेगी एक मीटर के लगभग। अगर हम औसत ले लें तो औसतन हमको कम से कम 1 मीटर गहरी खुदाई करना पड़ेगी। ठीक है, अब 1 मीटर मतलब 3.25 फुट के करीब जब मिट्टी हटाई जाएगी खेत में से तो इसके लिए अच्छे खासे श्रम की जरूरत पड़ेगी। और ये जो श्रम है ये जब आप किसी श्रमिक को लेकर आएंगे तो वो अपना परिश्रम भी लेगा, जो परिश्रम होगा उससे किसान को थोड़ा सा अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं, चलिए वो बातें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये थोड़ी इन मेथड को समझते हैं। सबसे पहला है स्टोन ड्रेन, स्टोन ड्रेन। स्टोन ड्रेन विधि नाम से जाहिर है पत्थर। ठीक है, इसमें एक विधि और होती है पाइप। ठीक है, पाइप ड्रेन। अब स्टोन ड्रेन विधि क्या है, इसमें क्या करेंगे हम उतनी ही मिट्टी खोदेंगे, मैंने आपको बताया था कितना खोदना पड़ता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, जब हम एक बिल्कुल निश्चित गहराई तक पहुंच जाते हैं तो मान लीजिए ये हमने एक गड्ढा बना लिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके किनारों पर पहले कुछ छोटे छोटे पत्थर इसके दीवार के सहारे से शुरू करते हुए लगा दिए जाते हैं और सबसे ऊपर एक बड़ा पत्थर। ठीक है, याद रखिए ये पत्थर आपस में किसी गारे से या मिट्टी से या चूने से या सीमेंट से चिपकाए नहीं आते, बस इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ भराव कर दिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर ये मिट्टी डाल दी जाती है। ठीक है, इस विधि का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो पानी होता है वो एक प्राकृतिक धारा के द्वारा इसके अंदर पहुंचता रहता है। ठीक है, क्योंकि पत्थर आपस में चिपकाए हुए नहीं है, इसीलिए मिट्टी से होता हुआ जो अतिरिक्त पानी होता है वो यहाँ छन कर इस नली में आ जाता है, नाली में आ जाता है, और इस नाली के द्वारा पानी खेत से बाहर निकाल दिया जाता है।
क्योंकि इसमें हमने किसका प्रयोग किया है, ये क्या है, ये स्टोन है, पत्थर, क्योंकि इस विधि में नाली बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टोन ड्रेन विधि। ठीक, सिंपल है। अगली जो है वो है टाई, टाई मतलब सप्रेल। ठीक है, अब इसमें नाली बनाने के लिए स्टोन की जगह किसका प्रयोग करेंगे, खपरेल का प्रयोग करेंगे, टाइल्स का प्रयोग। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से ये मान लीजिए ये कुछ, ये एक टाइल्स हो गया, ठीक है, और ये दूसरा टाइल्स, और इसके ऊपर ये तीसरा टाइल्स। ठीक, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर बाकी के वो हैं भराव और ऊपर मिट्टी बनी। ठीक, टाइल्स रखते समय हम बीच बीच में थोड़ा सा गैप कर देते हैं ताकि पानी उस गैप में से, रिक्त स्थान में से इस नाली में आ सके। ठीक, और खेत से बाहर निकल सके। ये टाइल सिस्टम। मोल सिस्टम, मोल सिस्टम क्या है, ये मोल सिस्टम का प्रयोग हम भारत में नहीं करते। जनरली जो मोल सिस्टम है, मोल विधि, जो मोल विधि है इसका प्रयोग यूरोपीय देशों में किया जाता है। जो यूरोपीय देश हैं वहां इस विधि का उपयोग सामान्य तौर, जरूरी नहीं कि वही होता हो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन इस विधि में जो अंतर है वो ये है, ना तो इसमें पत्थरों का प्रयोग होता है नाली बनाने में, और ना ही टाइल्स का, ना ही पाइप का, ना ही पोल का। फिर किससे बनाई जाती है नालियां, तो नालियां भूमि के अंदर एक निश्चित सीमा तक बिना भूमि को खोदे उसमें डायरेक्ट ड्रिलिंग के जरिए एक नली के समान संरचना बनाती है। ठीक, ये मूल विधि, ये खेत है और इस खेत में बिना मिट्टी को खोदे डायरेक्ट ड्रिलिंग के द्वारा एक नाली बना दी गई है, और इसी नाली के माध्यम से जो पानी होगा वो खेत से बाहर निकलता रहेगा, इसको हम मोल विधि कहते हैं। ठीक है, एक है पोल विधि। अब पोल क्या है, देखिए हर जगह पर पत्थर मिलना तो संभव नहीं, पत्थर विधि में हर जगह टाइल नहीं मिल सकते हैं, जो टाइल्स होते हैं वो मिट्टी की खपरेले होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं, पकी हुई मिट्टी जैसे ईंटें बनाई जाती है उसी प्रकार से। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे लकड़ी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर किसका प्रयोग करते हैं, नाली बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो लकड़ी का जब प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए लकड़ी के तीन पटलों का प्रयोग करते हैं, और लकड़ी के तीन पटलों को रखकर एक त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, और ये जमीन के नीचे होता है, जो गहराई मैंने आपको पहले बताई थी लगभग एवरेज की गहराई में ये रहता है। ठीक है, और इसमें ये मिट्टी भरी हुई है, ये सॉइल है। ठीक है, और ये क्या है, ये है लकड़ी के पट्टे। ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। अब ये जो नाली होती है इसमें भी हम क्या करते हैं, जब जो लकड़ी के पटले रखते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, इससे जो पानी होता है वो उन गैप से, रंध्रों से होकर आता है। ठीक, एक पाइप विधि है। पाइप विधि में क्या करते हैं, पाइप विधि में पाइप का प्रयोग किया जाता है। पांचवे नंबर की पाइप, पांचवे नंबर की जो पाइप है इसमें पाइप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पाइप है और इसको कनेक्शन के द्वारा ये पाइप जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, फिर इससे आगे कोई और पाइप जोड़ दिया, इस तरह से बहुत सारे पाइप आपस में जोड़कर ये मुख्य मेन नाली बनाई जाती है, मेन पाइप, और इसके द्वारा खेत में से कहीं से भी पानी को एकत्र कर सकते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में ये पानी खेत से बाहर निकल जाता है सुगंधता पूर्वक। ठीक है, ये पाइप विधि। ठीक है,
समझ में आ गया। हमने सिस्टम पढ़े, तीन सिस्टम होते हैं, एक नेचुरल सिस्टम होता है, दूसरा हेरिंग बोन सिस्टम होता है, तीसरा ग्रीडी रॉन्ग सिस्टम होता है। फिर उन सिस्टम को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमको दो प्रकार की विधियाँ उपयोग में लानी पड़ती है, या तो हम उसको ओपन विधि का यूज करते हैं या फिर हम अंडरग्राउंड विधि का यूज करते हैं। ओपन विधि में दो तीन प्रकार की हम अस्थाई बना लेते हैं, स्थाई बना लेते हैं, कटआउट बना लेते हैं, और जो अंडरग्राउंड है वो चार पांच टाइप की है, उसमें हम स्टोन ड्रेन, टाइल ड्रेन, मोल्ड ड्रेन, कोल्ड ड्रेन और पाइप ड्रेन, इनका यूज करते हैं। ठीक, अब आगे क्या है, आगे हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं सिंपल सिंपल, उनको और हम समझ के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो पढ़ा अभी तक उससे आपके कुछ क्वेश्चन कवर होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इन क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है जल निकास क्या है या ड्रेनेज क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि जो पानी जो रुक जाता है, जो वाटर लॉगिंग होता है, उसके क्या कारण है, कॉज क्या है। ठीक है, फिर जल निकास के लाभ, इसके जो इम्पोर्टेंस वो हो जाएंगे। फिर जो जल निकास से जो हानियां हैं हार्म वो हो जाएगा। ठीक है, फिर जल निकास के प्रमुख तंत्र कौन कौन से हैं, ठीक है वो हो जाएगा। फिर जल निकास की प्रमुख विधियां वो हो जाएंगी। फिर जल निकास की जो प्रमुख विधियां हैं उनमें से किन्हीं तीन विधियों का वर्णन करो, तो सतही में से तीन कर देना और जो अंडरग्राउंड है उसमें से तीन कर देना। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है जो सतही जल निकास है और जो अंडरग्राउंड जल निकास है इसमें अंतर, सतही जल निकास और अंडरग्राउंड जल निकास में अंतर। तो सतही जल निकास में क्या है, हमने सतही को समझा, ठीक है ना, उसमें ऊपर बनाई जाती है, बनाना आसान होता है, उसका मेंटेनेंस आसान होता है, उसके देख रेख हम आसानी से कर सकते हैं, किसान थोड़े से श्रम से ही उसको बना सकता है या उसके रख रखाव कर सकता है, उसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कृषक क्रियाएँ आराम से होती रहेंगी। ठीक है, किसान समय समय पर उसका स्थान भी बदल सकता है, ये कुछ चीज़ है। अब जो अंडरग्राउंड है उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरा जो खेत होता है ऊपर से एक जैसा दिखाई देता है, किसान को कहीं भी कोई किसी प्रकार का अवरोध या रुकावट महसूस नहीं होती, आराम से कृषक क्रियाएं हो सकती है। दूसरा फायदा क्या होता है उसका, कि उसमें जो पौधे की जड़ें होती हैं काफी गहरी जा सकती हैं, क्योंकि हम मिट्टी जो है वो लगभग औसतन 1 मीटर गहरी नालियां उसमें बनाई जाती हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है, क्योंकि 1 मीटर कूदना पड़ता है, इसमें अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई अकेला किसान उसको उसका रख रखाव नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पाइप टूट जाए तो फिर वो उतना ही गहरा खोदना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि पाइप टूटा कहाँ से। ठीक है, तो ये इनमें कुछ आपस में अंतर होते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है जो ड्रेनेज है और इरिगेशन है उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इरिगेशन तो आप जानते हैं, सिंचाई करने में क्या होता है, पौधों को पानी दिया जाता है, खेत में पानी डाला जाता है ताकि वो पानी पौधों को मिले। और ड्रेनेज में क्या करते हैं, जो खेत में भरा हुआ पानी उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। आज आपका ये जो चैप्टर है ड्रेनेज जल निकास, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, जब आपके स्कूल खुलेंगे तो ये आपके नोट्स आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाते हैं। थैंक यू।